हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग। एंड आज के वीडियो में हम लोग आपस एक बार खेलने वाले हैं WWE 2K23। एंड आज के वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं एक न्यू मैच टाइप। अभी तक WWE के गेम्स में ये मैच टाइप नहीं था, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड वो है वॉर गेम्स। आपको पता होगा ये वॉर गेम जो है NXT में इंट्रोड्यूस हुआ था, ट्रिपल एच ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड जब से विंस मैकमैन रिटायर हो चुके हैं, ट्रिपल एच के पास क्रिएटिव कंट्रोल आया, उसके बाद उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में पिछले साल वॉर गेम्स इंट्रोड्यूस किया था, जो कि मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था। एंड वॉर गेम्स का कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एंड आज हम लोग फाइनली इसको ट्राई करने वाले हैं। मुझे नहीं पता, मैं अपने आप को ब्रॉक लेसनर नहीं, हाँ मैं ब्रॉक लेसनर लूँ, क्या लूँ, मैं ब्रॉक लेसनर लेते हैं। एंड देखते हैं मेरी टीम में कौन कौन। मेरी टीम में जॉन सीना भी रख सकते हैं, लेकिन कौन से वाले, ये वाले 18 वाले रखे क्या, प्रोटोटाइप जॉन सीना ये वाले रखते, जॉन सीना 8, पता नहीं ये मेरे को अच्छा लगता है, या तो जॉन सीना 18 रखेगा, ये वाले मेरे बार बार ऐसा लग रहा है रखूँ, नहीं यार 8 ही वाले लगते हैं। बाकी देखते हैं, रोमन की टीम रहेगी सामने, ब्रॉक की टीम वर्सेस रोमन की टीम, सेथ रॉलिंस को उधर डालेंगे। यहाँ पे मेरी टीम में देखते हैं और किसको ले लिया जा सकता है। बाकी WWE के वीडियो उस पर आप बहुत सपोर्ट दिखा रहे हो, इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ भाई, चिंता ना करो। पिछले साल जैसे 2K22 के वीडियोज़ नहीं आए थे, इस बार वैसा नहीं होने वाला है। इस बार भाई आएंगे वीडियोज़ 2K23 के भी, माइनक्राफ्ट के भी। एंड एजे स्टाइल्स मेरे को दिख रहे हैं, एजे स्टाइल्स को अपनी टीम में रख लिया जाए क्या, क्या बोलते हो, पहले किसी और को देखते हैं। एज को मैं सोच रहा हूँ रखूँ अपनी टीम पर, लेकिन क्रिश्चियन भी मैंने, अच्छा हाँ मैंने आपको दिखाना भूल गया, मैंने क्रिश्चियन डाउनलोड किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए भाई और किसको, बॉबी लैशली को ले सकते हैं, पर यार बॉबी लैशली इसके राइवल है ना, ब्रॉन स्ट्रोमैन को रख लेते हैं। एंड यहाँ पे एजी स्टाइल्स को मैं सोच रहा हूँ रखने का, एजी स्टाइल्स कहाँ है भाई, हाँ रख लेते हैं। और दो अटायर है, समर स्लैम वाला ही, ये वाला समर स्लैम वाला रखते, छोटे बाल वाले एजी स्टाइल्स और अच्छे लगेंगे। बाकी एडवांटेज रैंडम है, मतलब एडवांटेज किसी को मिल सकता है। एडवांटेज का ये मतलब होता है कि जैसे दो बंदे मैच को स्टार्ट करेंगे, सो जो तीसरा बंदा आएगा वो किसके टीम से आएगा, तो वो होता है एडवांटेज, तो वो रैंडम। अभी अभी वो हमारे लग पे सबसे पहले तो भाई रोमन ही को ले लेते हैं, 99 ओवरऑल वाले रोमन है। और जेउसो, हाँ जेउसो रख लेते, जिमी उसे नहीं रखेंगे, इससे अच्छा हम लोग वो रखते हैं सोलो को रख सकते हैं, या फिर सैमी ज़ेन, नहीं सैमी ज़ेन तो धोखा दे दिया ना, रॉक को रखा जा सकता है, मेरे को तो लग रहा है सेथ को रखते हैं पहले। रॉक कहाँ है भाई, सेथ, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस किधर है भाई, रॉक को रखते हैं। एंड सेथ भाई, सेथ का कैरेक्टर भी बहुत सही हो गया WWE में, बिना बिना चैंपियनशिप के भी चलता है बहुत। डीन एम्ब्रोस को रखते हैं, पता है वो जाने दो, सेथ जाने दो, डीन एम्ब्रोस को रखते हैं। मैंने जॉन मॉक्सली अभी कुछ डाउनलोड किया, जॉन मॉक्सली पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन अभी डाउनलोडेड है तो चेक भी कर लेंगे, मैंने अभी तक देखा नहीं है वैसे। ये क्या है भाई, एंट्रेंस इंटरवल 90 सेकेंड, 60 सेकेंड रख देते हैं ना, 60 सेकेंड में शायद से सफिशेंट रहेगा, 90 कर देते, 90 थोड़ा भाई वीडियो भी बड़ी हो लेंगी। बाकी फिनिशर्स तीन तीन रखते हैं। एंड ये क्या है, हाँ चलो बाकी सब तो शायद से सही है, मोमेंटम फास्ट है, फिनिशर फास्ट है, हाँ सही है भाई, देख लो आज का हमारा कार्ड। बाकी शुरू करते हैं भाई सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जैसे पिछले वीडियो पे आया था जॉन सीना के, सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। बाकी मज़े करो आप लोग, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना यार, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। बाकी सब लोग पूछ रहे हैं भाई सीज़न 3 का क्या हाल है, सीज़न 3 का चल रहा है प्रिपरेशन। आपको पता होगा सीज़न, जब सीज़न ख़त्म होता है ना माइनक्राफ्ट का, तो प्रिपरेशन में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं एक एपिसोड कर लूँ और उसके बाद प्रिपेयर करने लगूँ, क्योंकि कुछ कुछ एपिसोड बनाने में टफ रहते हैं, कुछ कुछ बनाने में ईजी रहते हैं, तो मैं पूरा एक बार सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर लगातार आएंगे वीडियोस। अभी तो चल रहा है वैसे, आपको मिलेगा अभी एक दो हफ्ते में अराउंड। ओ भाई रूल्स देख लो भाई, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो रूल्स, मैं अभी के लिए फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ उसको, आप पॉज कर लेना। ओके देखते हैं सबसे पहले कौन आ रहा है, एंड है जॉन सीना। ओके एंड ये वाले जॉन सीना 2008 के हैं ना, तो इनका एंट्रेंस अलग है, आपने नोटिस किया होगा। अभी वाले अगर आप करेंट जॉन सीना लोगे तो उनका एंट्रेंस अलग रहेगा, तो अच्छा 2K ने थोड़ा मेहनत किया एंट्रेंस पे, थोड़ा सा अलग एंट्रेंस है। ये वाले जॉन सीना मतलब थोड़ा धीरे चल के आते हैं, मतलब दौड़ते नहीं है, पहले जॉन सीना चल के ही आते थे ना, जब 2010 के बाद से दौड़ना शुरू किया, और थगनॉमिक्स वाला गिमिक जब से चला गया जॉन सीना का, तब से फिर दौड़ना शुरू किया। बाकी देखते हैं भाई, जॉन सीना की ये वाली टी शर्ट काफ़ी अच्छी लग रही है। अच्छा मैं कब आऊँगा वो मैंने, अरे भाई मैंने डिसाइड ही नहीं किया, पता नहीं ऑप्शन नहीं आया, मेरे आने का ऑप्शन ही नहीं आया, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे यार मैं अगर पहले नहीं आया ना तो कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर हो जाएगा,
वैसे आपके लिए तो अच्छा ही है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं केज में रहूंगा शायद से। देखते हैं भाई, मेरी टीम से तो जॉन सीना रिप्रेजेंट कर रहे, देखते हैं रोमन की टीम से कौन है। अच्छी है जॉन सीना की वाली एंट्रेंस। चलो भाई स्किप करते हैं, अब नेक्स्ट कौन आ रहा है। बॉडी जॉन सीना की अच्छी बनाई, पर ये सेम ही बॉडी कितने सालों से, मैंने अभी नोटिस किया 2K19 में भी सेम ही बॉडी थी। ओ रोमन ही आ रहे हैं भाई, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने आ रहे, द ट्राइबल चीफ, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज। ओहो डबल टाइटल एंट्रेंस, खतरनाक। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, अच्छा ये वीडियो कल आएगी, अच्छा मतलब रेसलमेनिया के दिन आने वाली ये वीडियो, तो शायद से तब जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी का मैच हो गया होगा। वैसे मैं ये शूट एक दिन पहले कर रहा हूँ, यानी कि 31 मार्च, लेकिन 31 मार्च नहीं, 1 अप्रैल शूट कर रहा हूँ मैं। और वैसे वीडियो आपको 2 अप्रैल देखने मिलेगी, एंड इंडिया में तो रेसलमेनिया मैं एक दिन बाद ही आता है, आपको पता होगा, तो मैं तो देखने वाला हूँ रेसलमेनिया सुबह। एंड कल ऑस्टिन थ्योरी का मैच है, जो कि शायद से इस वीडियो के टाइम पर पूरा हो चुका होगा। लेकिन क्या लगता है भाई, जॉन सीना ऑस्टिन थ्योरी के मैच में, मुझे तो लगता है भाई सीना हार जाएंगे, पता है काफ़ी टाइम से सीना को विन नहीं, पर मैं चाहता हूँ सीना जीते। मैच शुरू हो चुका है भाई, अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते, यहाँ पे सीना जीतने चाहिए, वहाँ जीते ना जीते। ओके मेरी टीम में सीना है, बहुत बड़े सीना, फिनिशर लगाओ। रोमन को अगर एडवांटेज दे दें, रोमन छोड़ता नहीं, पता है ना 99 है ओवरऑल रोमन का, बहुत बढ़िया, मारते जाओ, मारो मारो, बहुत बढ़िया आयरिश विप, और ओरे ग्राफिक्स पता है इम्प्रूव है। एंड ये वॉर गेम्स वाला पीछे देख रहे हो, मैं हूँ, देखा पीछे केज में ए लगा दिया, बहुत बढ़िया जॉन सीना पिनफॉल। अच्छा ये अभी पिनफॉल नहीं होगा, नोटिस किया, वॉर गेम शुरू जब पूरा स्टार्ट हो जाएगा ना, सारे लोग आएंगे तभी पिनफॉल होगा, अभी अलाउड ही नहीं। अरे सीना ऊपर कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से, बहुत बढ़िया सीना, रोमन किया रेड हेल्थ कर दिए। अब बस मैं सेकेंड आ जाऊँ, उनकी टीम को ना मिला एडवांटेज, क्योंकि मैंने रैंडम रखा एडवांटेज, अब वो डिपेंड करता है किस पे मिलता है। रोमन आ रहे हैं भाई, सीना रिवर्स, और ये लगा दिया रोमन ने, ये वाला रोमन का फिनिशर है पता है, स्पीयर। और ये भाई मेरे का सीना की हेल्थ बहुत कम हो गई, सीना रिवर्स, एक और स्पीयर लगा रहे भाई रोमन, एक और स्पीयर, दो लगातार स्पीयर्स, सीना रिवर्स, अरे भाई दो लगातार स्पीयर पड़ चुके हैं, मेरी टीम से आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। ब्रॉन स्ट्रोमन आ रहे हैं मेरी टीम से, स्ट्रोमन अच्छी तरीके से करना, काउंट डाउन लग चुका है 10 सेकंड का, रोमन बहुत मार रहा है भाई सीना को, सीना रिवर्स, अरे भाई 99 है रोमन का, तो अटैक डैमेज भी रोमन का बहुत रहेगा, दो फिनिशर ऑलरेडी पड़ चुका है सीना को, एंड स्ट्रोमन एक्सप्रेस आ चुके हैं। अरे ट्राइबल चीफ भाग रहा है ऊपर, नहीं भागते नहीं इसमें शायद से, इसमें शायद से ऑफ है भागना, या तो ऑन भी रहेगा तो अभी आज भाग नहीं सकते, एक बार सारे बंदे आ जाए तभी भागना अलाउड रहेगा। देख रहे भाई पीछे दो केजेस दिख रहे हैं, मैं एक केज में हूँ, एक केज में रोमन की टीम है भाई, काफ़ी अच्छा बना है ग्राफिक्स, देख रहे हो केज में बंदा मस्त वॉर्म अप कर रहा है, रॉक और वो सब दिख रहे हैं मुझे। और ये भाई ब्रॉन स्ट्रोमन का कूदे, ऐसा रियल लाइफ में कूदते ना हालत ख़राब कर देते, मारो स्ट्रोमन, बहुत बढ़िया, लड़ते जाओ सीना के लिए थोड़ी मदद कर दो। अरे इतना धीरे भाई, अगले साल चढ़ते हैं स्ट्रोमन, आ जाओ स्ट्रोमन फिनिशर, अच्छा ठीक है सीना को लगाने दो। अरे भाई रोमन एक और फिनिशर लगा दिया यार, भाई रोमन 1v2 कर रहा है करेंटली, दोनों को मार रहा है, देख रहे हो दोनों को मार रहा है भाई रोमन, दोनों को मार रहा है, एक को स्टन कर दिया और एक को मारे जा रहा है। अरे 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 भाई रोमन ओवर पावर्ड है इस गेम में, आपको पता होगा, वैसे रोमन के भी मैं मैचेस करने वाला हूँ कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर, क्योंकि पिछली बार मैंने कॉम वर्सेस कॉम किया था तो आपको अच्छा लगा था जॉन सीना का, इसलिए आज नहीं, आज तो मैं खेलूँगा, लेकिन हो सकता है अगली वीडियो कॉम वर्सेस कॉम की हो। आप लोग मायराइज की बात कर रहे हो तो मायराइज आएगा, मायराइज को थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने थोड़ा कुछ सोचा है मायराइज का करने का, एंड एक बार थोड़ा सेट हो जाए ना अभी, क्योंकि माइनक्राफ्ट से भी थोड़ा बिजी हूँ मैं, एंड उनकी टीम से भी आ रहा है जेओसो, मेन इवेंट जेओसो इज हियर, राइट हैंड मैन आ चुका है। और आप वैसे वॉर गेम्स में आते समय सामान लेके आ सकते हो, मतलब ऑप्शन देते हैं, अगर कंप्यूटर लेंगे ना तो दिखेगा, अभी पता नहीं किसी ने लिया नहीं, लेकिन ऑप्शन रहता है, जब मैं आऊँगा ना तो मैं आपको दिखाऊँगा। ऑटोमेटिकली देख रहे हो अभी से 2 स्टार हो चुके, मतलब मैं अगर आपको वीसी चाहिए ज़्यादा परचेसेबल्स के लिए तो मैं बोलता हूँ रिकमेंडेड है भाई वॉर गेम्स खेलो, क्योंकि अगर लास्ट हो, जो कि अभी मैं हो सकता हूँ लास्ट, तो ये लोग स्टार बढ़ा देंगे एंड आपको वीसी मिलेगा। रनिंग पावर स्लैम ये वाला, अरे भाई अजीब तरीके का रनिंग पावर स्लैम, रोमन मार रहे सीना को भर भर के, स्ट्रोमन रोमन की मदद कीजिए। अरे 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 सीना ये
एक तो इतना कंफ्यूजन हो गया ना इनमें। अरे स्ट्रोमन ने चोक स्लैम लगा दिया, बहुत बढ़िया। सिग्नेचर है ना स्ट्रोमन का? नहीं सिग्नेचर नहीं है। अरे यार ब्रॉन स्ट्रोमन फिनिशर, हाँ बोलते ही लगाया, लगा दिया भाई। एक फिनिशर पड़ चुका है जेउसो को, जेउसो स्टंट। अरे अब जितना मारना है मारो, दोनों भाई मेरी टीम के दोनों बंदे अच्छे खासे मार रहे। सीना ने लगा दिया कुछ तो, क्या लगाया पता नहीं, कुछ तो लगाया था। अरे भाई रोमन देख रहा है अपने उसो को बचाने आया भाई, जी से बहुत प्यार करता है रोमन। जैसे ही लगा जे उसको बहुत पिट रहा है, बचाने आ गया। अरे भाई नेक्स्ट एजी स्टाइल्स है यार, मतलब मैं फोर्थ नंबर पे हूँ भाई। मैंने अपने आप को लास्ट रख दिया शायद से, पहले फर्स्ट रखना होता है, मेरे को पता नहीं था, लेकिन ठीक है एजी स्टाइल्स आ गए। अच्छा, मैं आता तो पता है क्या करता, अलग अलग रिंग में लड़ने लग जाता। अगर एक ही रिंग में लड़ते हैं ना तो बहुत कन्फ्यूजन होता है एंड पिट भी जाते हैं। देखो देखो एजी स्टाइल सामान लेके आए, क्या लेके आए जी, चेयर। अब अच्छा लग रहा है, दो दो अलग अलग रिंग में लड़ रहे हैं भाई, अच्छी चीज़ है। रोमन मार रहे उधर एंड उधर जेउसो ही मार रहा है, जेउसो स्टाइल का मार रहा है, मार रहा ना, हाँ बहुत बढ़िया। अरे भाई सीना रिवर्स कर दो भाई, ए सीना के पास है तीन तीन फिनिशर है सीना के पास, लेकिन एक भी नहीं लगा अभी तक फिनिशर। वैसे ब्रॉन्ज स्टोमन के पास एक है, स्टोमन लगा नहीं रहे, बस भाई गला पकड़े जा रहे एकदम, पता नहीं खली चौक दे रहे कि नहीं। ग्रेट खली को भी अनलॉक करेंगे, ग्रेट खली पता नहीं इस गेम में है या नहीं, लेकिन अगर होंगे तो मैं करूँगा, अगर नहीं होंगे तो कम्युनिटी क्रिएशन जिंदाबाद। और ये जी स्टाइल्स बहुत बढ़िया मदद किए, मारो ये जी फिनिशर दो। स्टोमन भाई स्टाइल ही मारे जा रहे हैं, सीना ने उधर एस टी एफ दे दिया है, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं। अगर जे जे उसको टैप भी कर देता है ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता, वरना क्योंकि मैच अभी तक शुरू कहाँ हुआ है भाई, ये तो वार्म अप है। देखो रॉक आ रहे हैं अभी भाई, अभी मज़ा आने वाला है। डीन एम्ब्रोज और मैं निकलने वाले हैं भाई। यार इनका नाम भले ही जॉन मॉक्स लिया अभी, लेकिन हमारे लिए तो भाई डीन एम्ब्रोज ही है, क्योंकि शील्ड के टाइम पे देखता था मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई। डीन एम्ब्रोज और मैं आने वाले एक साथ, मतलब एक के बाद एक। अरे भाई सारे एक रिंग में क्यों आ गए यार, कोई तो उस रिंग में लड़ो भाई, बहुत कन्फ्यूजन होता है पता है। सारे एक रिंग में आ जाए ना, तीन तीन बंदे हैं मेरी टीम के, इनके टीम के भी अभी आ जाएंगे। अभी थोड़ा जे उसे थोड़ा मारने लगा है सीना, ए फिनिशर है सीना के पास, हाँ दो फिनिशर है मेरी टीम के पास, फिनिशर है उनकी टीम भाई, उनके पास सबके पास तीन तीन फिनिशर है ऑलमोस्ट, एक जेउसो को छोड़ के सबके पास तीन तीन फिनिशर है। पड़ा स्टोमन को एजे स्टाइल्स, यार फिनिशर अभी तक लगाया नहीं एजे ने एक भी बार, ऐसा थोड़ी होता है एजे फिनिशर घर लेके जाना नहीं, आज लगाना है एजे फिनिशर। अरे यार फिनोमिनल फोरआर्म तो लगा दो एटलीस्ट, बहुत बढ़िया। जेउसो लेके जा रहा है उधर, जेउसो समझदार है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है अभी करंटली जेउसो का कैरेक्टर रेडोली में। अरे 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 बाकी आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया कर देना यार, मैं इधर डाल दूंगा इंस्टाग्राम का आईडी, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी है उसका लिंक। बहुत बढ़िया दोनों मिलके भाई, सीना और स्टोमन ने टीम अप कर लिया, दोनों मिलके मार रहे हैं। और ये स्टील चेयर से थोड़ा सा बच गया, मुझे लगा स्टील चेयर पर पटक रहा है। अरे ये स्टाइल्स कर क्या रहे, ऊपर जा रहे भाई। वॉर गेम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन है भी अच्छा। देख रहे हो मैं अभी तक रिंग में एंटर तक नहीं किया हूँ एंड भाई 3.5 स्टार हो चुका है मैच को, और मैं आने वाला हूँ भाई। ब्रॉक लेसनर अप नेक्स्ट दिखा दिया एंड भाई फाइनली अब मेरी बारी आ चुकी है, 10 सेकंड में आने वाला हूँ। देखे भाई कि क्या करूँगा मैं, फर्स्ट वॉर गेम्स मैच है मेरा तो मुझे पता नहीं कैसा होता है, लेकिन पता चल जाएगा। वैसे रूल्स तो मैंने पढ़े हुए, यानी अगे सारे कंटेस्टेंट एक बार रिंग में आ जाए उसके बाद ही वॉर गेम स्टार्ट होता है। गेट वेपन का ऑप्शन है जो कि मैं लूँगा भाई, वेपन तो अपने को आपको पता है कितना प्यार है वेपन से 2K गेम्स में, मैं बहुत मारता हूँ वेपन से। एक बार तो भाई मैं मारता ही चला गया था, जितना वाइट कर दी थी बॉडी मार मार के। ये क्या लेके आया मैं, अरे भाई स्टॉप का साइन लेके आ गया, एक और चाहिए भाई मेरे को, ये नहीं चाहिए था मेरे को, वो चाहिए था बैट है क्या। स्टील चेयर भी चलेगा, स्टील चेयर से मारा जा सकता है। नहीं अब नहीं चाहिए वेपन, हो गया स्टील चेयर उठा ले भाई। अरे अरे ऊपर नहीं जाना है ब्रो, चलो चले गए तो मारो इसको। हाँ जेउसो लेसनर आ गए, आ जा खा, राइट हैंड मैन है, राइट हैंड मैन है, लॉयल्टी सिखाएगा सैमी जेन को, लॉयल्टी सिखाएगा, आ जा ये ले। अरे सीना सॉरी आपको भी लग गए, आ जा हाँ। अरे अरे मारने लगा, बहुत बढ़िया सीना, मैं रोमन को देखता हूँ, आ जा घुटना मुँह में आ जा, बहुत बढ़िया ब्रो। तीन फिनिशर है, मैं हो सकता है एक लगा दूँ। सीना ने ये दे दिया उसको जे उसको, पर अभी फिनिशर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर फिर भी लगा देते हैं ना। कमूरा लॉक, रोमन से मेरे को टैप आउट करवाना है। अरे अरे रोमन
क्या किया रोमन ने, रेजिलेंस यूज़ कर दिया शायद से। अच्छा है रोमन का रेजिलेंस गया ना, काफ़ी अच्छी बात है। अभी कौन आ रहा है भाई, रॉक बचे थे, नहीं सॉरी जॉन मॉक्सली बचे थे। जॉन मॉक्सली भाई प्लीज़ ज़्यादा अच्छा, मुझे देखना है जॉन मॉक्सली का मॉड कैसे बनाया, क्योंकि कम्युनिटी क्रिएशन है ना, देखने से तो भाई ढंग का लग रहा है भाई, काफ़ी अच्छा ई डब्ल्यू जैसे ही। अब टैप आउट, सबमिट सबमिट सबमिट, हाँ हो गया, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं, मुझे भी पता है, मैंने तो अपने मज़े के लिए सबमिट करवाया, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। जब तक जॉन मॉक्सली अंदर नहीं आते ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं, अगर एक बार वो अंदर आ गए ना उसके बाद मैच स्टार्ट होता है। एजी स्टाइल्स कितना भी ऊपर चढ़ जाओ कोई भी फ़ायदा नहीं है। जॉन मॉक्सली टेबल लेके आ रहे हैं, अरे भाई फिनिशर लगा दिया रोमन ने, पिट गया मैं, अरे बहुत गंदा फिनिशर लगा दिया मैं, रोमन पीछे ही पड़ जाता है भाई, 99 ओवरऑल है ना, डैमेज भी इतना, एक और फिनिशर लगा रहा है, नहीं 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 रोमन, अरे अरे ये क्या हुआ, ग्लिच हुआ क्या, रोमन लगा रहा था फिनिशर अचानक से उधर किधर चला गया, उस रिंग में आओ यार कोई, एक सेकंड रॉक को लेकर आता हूँ मैं, रॉक फ्री है शायद से, रॉक मेरे पे ना आ जाओ, अरे वाह, अरे अरे जे उसको आ ही जाता है भाई, जे पीछा नहीं छोड़ता, आ जा, अरे उधर फेंक के कहाँ चला गया यार जे उसको, बड़ा अजीब आदमी है, रुक जाओ ऐसे कैसे, स्टोमन को आने दो, हाँ स्टोमन आ गए, अच्छा स्टोमन मेरी टीम में यार, भूल क्यों जाता हूँ, जे उसको आ जा यार, सीना छोड़ दीजिए, और कौन बचा, जॉन मॉक्सली को पकड़ते, नहीं मेरे को तो जे उसको ही टारगेट, अरे अरे मार कौन रहा है भाई, जॉन मॉक्सली मार रहा है शायद से, हाँ जॉन मॉक्सली टारगेट में, ठीक है भाई FI खाने के लिए रेडी हो जाओ, अरे 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 बस कर दिया, हर बार थोड़ी भाई, चल FI खाते ख़त्म करते गेम, आ जा, अरे 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 पीछा ही नहीं छोड़ रहा DDT, अरे भाई कोई आओ यार मदद करो, सीना क्या कर रहे हो आप, सीना वर्सेस रॉक हो रहा है भाई, रेसलमेनिया 28-29 जो भी आपको देखना है, मेरे को यहाँ लटका के चला गया जेउसो, अजीब आदमी है जेउसो, कुछ कर यार, मेरी टीम की हेल्थ क्या है, उनकी टीम की ज़्यादा है पता है, उनकी जॉन मॉक्सली की हेल्थ गई नहीं है, जॉन मॉक्सली का पिनफॉल भी नहीं हो पाएगा, उधर चलते भाई, जॉन मॉक्सली का तो पिनफॉल होने जरा, अभी किसकी भी किसका पिनफॉल हो सकता है, जेउसो का पिनफॉल हो सकता है, रोमन का भी पिनफॉल हो सकता है, पड़ गया FI, चल बहुत बढ़िया, खत्म खत्म गेम ओवर, रॉक नहीं कर पाएंगे किक आउट, रेजिलेंसी ही नहीं है ना, अरे है यार मैं रेजिलेंसी यूज़ कर ली, लेकिन कोई बात नहीं, एक और फिनिशर और गेम ओवर, एक और फिनिशर नहीं है क्या मेरे पास, अच्छा नहीं है यार, बनाना पड़ेगा एक और फिनिशर, मैं भूल ही गया था नहीं है फिनिशर, मुझे लगा है, पता नहीं ऐसा क्यों लगा, पर लगा है, सिग्नेचर ही से ख़त्म कर देते हैं जॉन मॉक्सली, आप लेटर हो, आप जब उठते हो तो बहुत दुख होता है, सबमिशन है शायद से जो इसका सिग्नेचर, अरे यार बहुत बढ़िया, अच्छा अरे भाई AJ ने पिनफॉल करवा लिया यार, मुझे जिताना था भाई, AJ स्टाइल्स आप जीत गए वो अच्छी बात है, हमारी टीम जीत गई, पर यार मुझे जिताना था, अरे भाई AJ स्टाइल्स जीत भी गए, काफ़ी दंग भाई, AJ स्टाइल्स ने इतने सारे लोगों के बीच में पिनफॉल करवा लिया, नाइस जीत गया भाई हम, पता नहीं किसी कैसे पर जीत गया, मुझे मैंने ध्यान भी नहीं दिया AJ पिनफॉल करवा लिया, मैं तो अपना ये देने फिनिशर देने के चक्कर में था, दे भी दिया था भाई अगर फिनिशर अगर AJ ना आते, लेकिन चलो ठीक है भाई, फर्स्ट वॉर गेम्स मैच जीत चुके हैं हम, एंड आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगी, पसंद आए लाइक जरूर से करना, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो नेक्स्ट WWE 2K23 का वीडियो जल्दी आएगा, बाकी अगले वीडियो मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय।